मर्दों का आमतौर पर भी ये होता है कि अगर वो सीईओज हों, बिजनेसमैन हों, तो शाम को वो जो सीधा घर नहीं आते मर्द, उन्हें घर थाना सा लगता है, तो वो कहीं ना कहीं से होके आना चाहते हैं, तो वो अपने मूड को बहला के आना चाहते हैं। अल्कोहल का इस्तेमाल, और अल्कोहल एक ऐसा नशा है जो कि रिलैक्स करता है, कॉन्फिडेंट करता है, थोड़ा मेहरबान बनाता है और थोड़ी एनर्जी भी देता है। इसमें कैलोरीज होती है, 7 कैलोरीज पर सीसी, ये घी से थोड़ी कम है, देसी घी से थोड़ी कम है। तो ये जो तरीक़ाकार है, इसमें बाज़ औक़ात इंसान के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिससे कि अल्कोहल माफक नहीं रहती, अल्कोहल की प्रोसेसिंग में ख़राबी हो जाती है, और अल्कोहलिज्म जिसे हम कहते हैं, इंटॉक्सिकेशन होने लगती है, और फिर इंटॉक्सिकेशन से फिर और ड्रग्स की राह हमवार होती है। जब ड्रग्स करते हैं, अल्कोहल करते हैं, तो वैल्यू सिस्टम नीचे जाना शुरू हो जाता है। फिर एक एडिक्ट का या अल्कोहलिक का कोई वैल्यू सिस्टम नहीं होता, कोई उसका दीन मान नहीं होता। उसके नज़दीक सबसे बड़ा ईमान उसका वो नशा और शराब होता है। इसमें उसका कोई बस नहीं चलता, क्योंकि जब इंसान अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स होता है, तो उसको गलत फैसले करते हुए कोई गिल्ट नहीं होता, गलत फैसले करते हुए उसको कोई झिझक नहीं होती, कोई हेजिटेशन नहीं होती, आगे बढ़ने का एक अंदर से रुझान होता है, तो रिस्की बिहेवियर हो जाता है। कि खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।